बताइए है ना तीजा। हाँ अरे ये नहीं, इनके बड़े भाई आपके संस्कारी बाबूजी, वो घर पे नहीं है क्या? वो बोलता है वो तो नहीं है, बाहर गए हैं। आप मुझे बताइए, हो सकता है कि मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। चाचा वैसे मेरी विधवा सास है, उनका नाम है चेतना चौबे, लेकिन आप मोहल्ले वाले उन्हें छम्मक छल्लो बुलाते हैं। हरिओम जी, ये समझ लीजिए कि बिल्कुल आपकी तरह है। कपियों से बावली टाइप, मतलब बाबूजी टाइप नहीं, चाचा टाइप। यू चिल ब्रो। चाचा जैसे आप इस उम्र में, सॉरी, जैसे आप इस उम्र में तीर कमान है, वैसे वो 56 की उम्र में। बहुत ही पैर नीचे हो गए, पैर एक्चुअली जब ये आए थे ना तो नीचे ही रख। चाचा जैसे आप इस उम्र में तीर कमान है, वैसे वो 56 की उम्र में बेटी सलमान है। हरि ओम। क्या खाना पकाती है, आय हाय। और गाना से ये होल्ड करिए, आइडिया था दिल मेरा गाते। तीर कमान है, वैसे वो 56 की उम्र में लेडी सलमान है। हरि ओम। क्या मस्त खाना पकाती है। हाँ, और गाना गाना तो सिर्फ भीगे होंठ तेरे प्यासा दिल मेरा, वही वाला गाती है। हरि ओम। और इमरान हाशमी की इतनी बड़ी फैन है। And you know what? उन्होंने अपनी ब्यूटीफुल कमर पे एक क्यूट सा टैटू बनवाया हुआ है, जिसमें तीन तीन तितलियां उड़ रही हैं। How romantic! बुढ़ापे की तरफ जाते जाते उन्होंने जवानी की तरफ यू टर्न ले लिया है ना, बाकी सब ठीक है। होता लेकिन ये सब आप हमें क्यों बता रहे भाई? लड़का लड़की के बारे में तबीयत से जान ले, तभी तो रिश्ते की बात आगे बढ़ेगी। ये बोलते रिश्ता, अलगड़ी किसका, मयूरी किससे? मेरी डैशिंग सास का आपके रॉकिंग चचा से। अरे बोला, अरे आपका दिमाग तो ठीक है, कैसी बात कर रहा है? कब की बोलता, शर्म नहीं आती आपको? डिटो, सेम टू सेम, मैं भी ऐसे ही चौंका था, इनफैक्ट उछल गया था जब मेरी सास ने ऐसे पैर ऊपर था, नीचे था, नीचे रखी। किसका, किससे? अरे मेरी डैशिंग सास का आपके रॉकिंग चचा से। हाय बोलता, आपका दिमाग तो ठीक है, कैसी बात कर रहे हैं आप? कभी बोलता, शर्म नहीं आती तुमको? डिट्टो, सेम टू सेम, मैं भी ऐसे ही चौंका था, इनफैक्ट उछल गया था जब मेरी सास ने अपनी शादी की बात मुझसे छेड़ी। लेकिन जब मैंने चचा को देखा ना, मुझे लगा कि लड़का बहुत भले घर का है और अपने घोटक सर के चचा भी हैं, हैं? और मेरी चम्मक छल्लो सास और आपके रंगीले रसिया चचा, मैया कसम जोड़ी बवाल मचा देगी। चचा ना मत कहना, था मत कहना, मत कहियो जी। आया तो चल के, मतलब चाचा जी चल के आओ उधर। ए ये गुड, क्या कर रहा है? होटल सर आ गए, मुझे सलाह दी थी। इन्होंने मुझसे कहा था कि अपनी सास के लिए हैंडसम लड़का ढूंढ के उसका टिकट काट दो। अरे तो उसमें दिक्कत कहाँ है? तो बाहर चल, चल बाहर।
अरे चाचा से तो पूछ लो, मूड बना के बैठे हैं। क्या पूछे, वो रास्ता मंजूर नहीं है। चल 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 भाग चल, आपने बोला एक। हाँ, बस एक के ले जाएगा। बाहर चल, रिश्ता मंजूर नहीं है। इनसे क्या पूछा, चाचा तू है या मैं? हाँ, और रिश्ता मंजूर क्यों नहीं है भाई साहब? मुझे रिश्ता मंजूर है। क्या देखा सबको क्यों? इस उम्र में जिंदगी की नई शुरुआत करना पाप है। पर आप चार बच्चों के बाप है। और इस वक्त बाप नहीं चाचा हूँ, तुम्हें लोगों ने बनाया है। ये पैर ऊपर नीचे था, ऐसे था ना? चेतना चौबे है क्या है दादू? वो लोगों का नजरिया है कि ओके बस बस बस। उसका नाम चेतना चौबे है। ये लोगों का नजरिया है कि वो चम्मक छल्लू है। उनकी कमर पे टैटू है, तीन तितलियां उड़ रही है। बेटा भूल गया, तेरी चाची के हाथ पे टैटू था, गांव में गुदवाया था, लेकिन उनके हाथ में चिड़िया हो गए। तेरी चाची के हाथ पे भी? भूल गया, तेरी चाची चिड़िया के हाथ पे भी गई। बेटा भूल गया, तेरी चाची चिड़िया के हाथ पे भी टैटू था, उसने गांव में गुदवाया था। बस फर्क इतना है, उसके हाथ में तोता उड़ रहा था, यहाँ तितलियां उड़ रही हैं। चाचा मुबारक हो, रिश्ता पक्का। बढ़ने से बढ़ने, सॉरी। चाचा मुबारक हो, रिश्ता पक्का। मैं परसों अपनी सास को लाके आपके साथ मीटिंग करा देता हूँ। नंबर 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 बोलो ना, नंबर 9333 5 4 हो गया। चाचा गोटक सर, अब तो हम रिश्तेदार हो गए, आइए गले मिलिए। कोई बात नहीं, बाद में मिलेंगे। बाय। हरिओम हरिओम। अब क्या हुआ बाबूजी? बेटा इसने ऑनलाइन 501 रुपए का शगुन, सॉरी वापिस। बाबूजी थोड़ा और उधर देखे। हरिओम। क्या हुआ बाबूजी, क्या हो गया? हुआ कुछ नहीं है, अगले ने 501 रुपए का शगुन भेज दिया ऑनलाइन। क्या? और बनाओ चाचा। आज सर आपका लुक चेंज हो गया है, आप अभी काफी यंग दिख रहे हैं, उसके पीछे क्या रीजन है? कुछ नहीं, ये कहानी ऐसी बनाई है जिसके अंदर बाबूजी जो है यंग बाबूजी को दिखाया गया है, तो इसलिए वो अच्छा, यंग बनना पड़ा। और आपकी अभी सुनने में आ रहा, आपकी शादी भी होने वाली है। हाँ वो कहानी का हिस्सा है। हाँ, बच्चों ने एक्चुअली जबरदस्ती बाबूजी को कहा कि थोड़े आप भी मॉडर्न, जैसे सब लोग अपना बाल बाल काले करके रखते हैं, आप इतना बूढ़े क्यों दिखते हैं, आप भी बाल। बाबूजी ने बच्चों का मन रखने के लिए अपने आप को काले कर लिए बाल, तो अब उनके लिए कुछ रिश्ते भी आने शुरू हो गए। नहीं, घर वाले तो मतलब इतने नाराज हैं कि उनका बस चले तो वो अपने बाप को जो है ना त्याग दें। So, अभी आगे क्या आपका डिसीजन होने वाला है, कि आप शादी करेंगे कि अपने? ये तो पर्दे पर देखने वाली बात है, ये मैंने बता दिया तो मजा क्या रह गया। हाँ, so, like, आप अपने व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे लास्टली? देखते रहिए चिड़िया।